आज तो पापा जी भी आ गए लगभग एक महीने से पैर में चोट के कारण। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का ट्रेंच विधि खेती यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो किसान भाइयों, आज चला रहे हैं पानी और ये गन्ना बुआई है। आज इसमें चल रहा है तीसरा पानी और गन्ना बुआई है ये 23 या 24 मार्च की, होली से पहले बो दिया था। और देखो बढ़वार काफ़ी अच्छी है। वैरायटी की बात करें तो वैरायटी है CO0 118 वैरायटी है ये। जमाव बहुत बढ़िया है, शानदार जमाव आया है। पानी चल रहा है, पानी चलने के साथ साथ जैसे ही पानी इसमें पूरा हो जाएगा गोल बंद कर देंगे, उसके बाद इसमें खाद डालेंगे। तो यहाँ पे ये खाद मिल रहा है और किसान भाइयों, खाद में लिया है यूरिया। ये 5.5 बीघे खेत है तो इसमें लगभग 45 किलो यूरिया है। यूरिया के साथ में इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट है। माइक्रो न्यूट्रेंट में लिया है दयाल का कॉम्बी पैक। इस दयाल के कॉम्बी पैक में लगभग 6 पोषक तत्व हैं, 6 तरह के। पहले नंबर पर जिंक है, गन्ना बलवान यानी कि माइक्रो न्यूट्रेंट है। सुपर एक्शन अमृजी जो कि जाइम बोलते हैं उसे, मैग्नीशियम सल्फेट, हरियाली जो कि फेरा सल्फेट होता है, और बोरोफर्ट। बोरोफर्ट में कैल्शियम और बोरोन, ये दोनों चीज़ है। तो इन सबको एक जगह डाल के मिला दिया। गलती ये हो गई, ये जो फेरस सल्फेट है ये इसमें मिलाना नहीं चाहिए था और हमने ये इसमें मिला दिया। अब ये खाद जल्दी से जल्दी फटाफट डालना पड़ेगा, नहीं तो ये पसीज जाएगा यानी कि पानी छोड़ देगा, फिर इसको डालने में दिक्कत आएगी। और ये गन्ना किसान भाई, ये 24 दिन का हो चुका है आज। और आप देखो, कम मिट्टी इसलिए कहा जाता है, इसमें भी देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये गांठ बनी है और यहाँ पे आँख बन के, यानी कि इसमें ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। अब दूसरा यहाँ पे देखो, इसके ऊपर मिट्टी नहीं है, तो ये देखो ये भी ड्रिलिंग। तो गन्ने के साथ साथ जमाव के साथ साथ ट्रिलिंग भी शुरू होगी। जो गन्ने का पौधा है काफ़ी मोटा है, स्वस्थ है, बेहतरीन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आधे से ऊपर का ये गन्ना लिया था बुआई के लिए, तो शायद इसी वजह से जमाव इतना अच्छा आया है। और अभी भी निकल रहे हैं कहीं कहीं पे। और इसमें जो मील की तरफ से हमें ढांचा मिला था वो भी इसमें डाल दिया था, तो ढांचा भी कहीं इसमें दिखाई दे रहा है, तो ढांचे का भी इसमें खाद लगेगा। खाद जब डालना है, जब आप गूल का पानी बंद कर देंगे और पानी उसमें रुक जाएगा, बहते हुए पानी में खाद नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप बहते हुए पानी में खाद डालोगे तो वो खाद एक तरफ बह के आ जाएगा। ये सारी गूले पर भर चुकी है, अब इसको बंद कर देंगे। इसमें किसान भाइयों, बुआई के समय DAP पोटास ये दो खाद डाले थे, उसके बाद इसमें कुछ नहीं डाला। और पहले दूसरे पानी पर खरपतवार का स्प्रे कराया था, गूल बिल्कुल साफ हैं। और उसके बाद इसमें तीसरा पानी आज चल रहा है, तो तीसरे पानी पर यूरिया और माइक्रो न्यूट्रेंट लगवा दिया। ये इधर रेटून मैनेजर चला रहे हैं, जितना खेत खाली हुआ था उतने में आज चला देंगे। बाकी इसमें 3 ट्रॉली रह गई, तो ये 3 ट्रॉली भी 3 दिन का काम है और फिर गन्ना ख़त्म। ये इस तरह से पानी चल रहा है यहाँ पे, मेन नाली में से जगह जगह ऐसे खोल दिया। मिट्टी कट नहीं रही क्योंकि मिट्टी ये कैड़ा जंगल है। इस खेत में कल पानी चलाया था और साथ के साथ खाद डाल दिया, जैसे उस खेत में डल रहा है इसमें आज पानी चलाया, खाद डल गया। और इधर
इसमें आज दूसरा पानी दिया जा रहा है। ये तो पौध का गन्ना है और इधर जो सीधा गन्ने से बिजाई की हुई है इधर, तो इसमें दूसरा पानी चला दिया और इसमें कल खरपतवार का स्प्रे करा देंगे 240 और मैटरी। दो आदमी हैं, तीन काम हो रहे हैं, पानी चल रहा है, खाद डल रहा है और रेटून मैनेजर चल रहा है। आज तो पापा जी भी आ गए, लगभग एक महीने से पैर में चोट के कारण घर पर ही थे और आज खेतों को देखने, दो दिन पहले प्लास्टर खुल गया तो आज ट्रैक्टर लेके खेत में आए हैं देखने कि उनकी अनुपस्थिति में काम कैसा चल रहा है। तो सारा निरीक्षण किया है आज।